महीने में अगर आप नर्सरी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में ये प्लांट बिल्कुल भी ऐड ना करें। कौन कौन से प्लांट है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने इन प्लांट को ऐड कर लिया तो ये प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगे और आपके पैसे ही खराब जाएंगे। तो कौन कौन से प्लांट है जो आपको अपने गार्डन में ऐड नहीं करने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ डेविल्स बैकबोन। डेविल्स बैकबोन हमें अपने गार्डन में बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है? क्योंकि ये प्लांट है समर का और विंटर में ये ग्रोथ नहीं करता है, समर में ही ग्रोथ करता है। इसकी कई वेराइटीज होती है, दो तीन मेरे पास है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड ना करें। के बाद है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट को भी अभी अपने गार्डन में ऐड मत करिए, क्योंकि ये प्लांट जो है समर में सरवाइव करता है और विंटर में ये सरवाइव नहीं करता है, ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो ऐसे में अगर आप इन प्लांट को ले आएंगे तो आप सोचेंगे हम अपने प्लांट को अच्छे से खाद पानी देंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है समर में ही ग्रोथ करते हैं, विंटर में ये ग्रोथ नहीं करते हैं। तो आप फिर निराश हो जाएंगे ये जब ग्रोथ नहीं करेंगे तो आप इन प्लांट को जो है समर में ही ऐड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समर में इन प्लांट को आप ऐड करिए, मार्च के महीने में आप इन प्लांट को लेके लगा सकते हैं नर्सरी से। कि जो है सदाबहार, सदाबहार का प्लांट भी अभी अपने गार्डन में ऐड मत करिए, क्योंकि ये जो है समर का प्लांट है और समर में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, और जब ये फ्लावरिंग करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट। अगर आपने अभी इस प्लांट को ऐड कर लिया तो कुछ दिन ही ये जो है सरवाइव कर पाएगा, उसके बाद ये ग्रोथ भी नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो आप इस प्लांट को अभी ऐड मत करिए, मार्च के महीने में इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया को भी अभी आप ऐड मत करिए। ये प्लांट भी जो है समर में फ्लावरिंग करता है, ग्रोथ करता है, और विंटर में ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो ऐसे में अगर आप ले आएंगे तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप इन प्लांट को ना लेके आए। आप इन प्लांट को मार्च के महीने में ऐड कर सकते हैं। तो भी आप जो है अभी मत लेके आइए। वैसे तो ये परमानेंट वाले प्लांट है, ये रहते हैं हमेशा हमारे गार्डन में, रहते हैं सर्दी गर्मी रहते हैं, बट ये प्लांट जो है ग्रो नहीं करेंगे। समर में ग्रो करते हैं, विंटर में ये प्लांट जो है ग्रो नहीं करते हैं, तो ये अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे में जो प्लांट ग्रोथ करते हैं आप उनको लेके ये, जैसे हमारे विंटर के प्लांट है, आप विंटर के प्लांट को ऐड कर सकते हैं। ये समर वाले प्लांट मत लेके ये प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेगा। डॉलर प्लांट है, डॉलर प्लांट को भी अभी आप मत लेके ये, क्योंकि ये प्लांट भी जो है समर में ग्रोथ करता है, विंटर में इस तरह से इसकी पीली पत्तियां हो जाती है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे पीली पत्तियां हो रही है, ये कुछ दिन और ग्रोथ करेगा, उसके बाद ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप इसको भी ऐड मत करिए अपने गार्डन में। नेंत्रा की वैरायटी है, इसकी भी कई वैरायटीज आती है, आप इसको समर में ऐड करिए, विंटर में ऐड मत करिए। अभी आप देख सकते हैं ये प्लांट अभी अभी ग्रोथ कर रहा है। अगर आप जो है इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है समर के महीने में, मार्च के महीने में इसको ऐड करिए, विंटर में ऐड मत करिए इस प्लांट को। तो विंटर में ये ग्रोथ नहीं करता है, रोक देता है। लालसा का प्लांट है, लालसा देख सकते हैं आप, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि ये प्लांट अभी ग्रोथ नहीं करेगा, ये विंटर में रुक जाता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। समर में ये प्लांट ग्रोथ करता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, विंटर में बिल्कुल रुक जाता है। आप इसकी, अगर आपके पास ये प्लांट है, लालसा प्लांट है, तो इसकी हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, जैसे भी आप करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट की कर सकते हैं। वैसे आप इसको ऐड मत करिए अभी अपने गार्डन में। अगर नर्सरी से आप खरीद रहे इस प्लांट को तो इस प्लांट को लेना बिल्कुल भी नहीं है। आपको समर के महीने में, मार्च के महीने में इस प्लांट को आप खरीद सकते हैं। कनेर की वेराइटीज है, कनेर की भी आप अभी मत लगाइए। कनेर भी जो है हमारा समर का फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसको अभी ऐड मत करिए। जब ऐड करना चाहते हैं इसको तो आप जो है मार्च के महीने में इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं। इसकी भी कई वेराइटीज आती है, बहुत सुंदर इसके जो है फ्लावर के कलर होते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं मार्च के महीने में। अभी मत करिए इस प्लांट को ऐड। एग्लोनिमा की भी कई वेराइटीज है, अगर आप इस प्लांट को अभी अपने नर्सरी से लाना चाहते तो अभी मत लेके ये, थोड़ा दिन, थोड़े कुछ महीने और रुक जाइए, फिर इसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। वैसे भी अगर आप लाने के बाद, बहुत सारे प्लांट हमारे गार्डन में ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ग्रोथ विंटर में नहीं करता, ये समर में ही ग्रोथ करता है, और समर में ही ये जो है बहुत सारी अपनी जो है
नीचे नीचे से ये अलग अलग ब्रांचेस निकालता रहता है, तो समर में अच्छे से ग्रोथ करता है। अभी तो मेरे प्लांट में देखिए एक प्लांट है, एक बेबी प्लांट और निकल गया है। ये डिवाइड होते रहते हैं, तो ये डिवाइड समर में होते हैं, विंटर में नहीं होते हैं, और विंटर में ये ग्रो भी नहीं करता है। जो भी पत्तियां हैं वो भी थोड़ी सी बर्न होने लग जाती है, पीली होने लग जाती है, तो आप इसको जो है अभी ऐड मत करिए। ये देखिए इस तरह से ये जो है बर्न होने लग जाती है, देखिए इस तरह से हो जाएगी, तो अभी आप इसको ऐड मत करिए अपने गार्डन में, मार्च के महीने में ऐड करिए। ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी है उसको भी अभी आप ऐड मत करिए। ड्रेसिना भी समर का प्लांट है, समर में ये अच्छी सी ग्रोथ करता है, उसी में हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और अच्छे से ये जो है नीचे से डिवाइड भी होते रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक कटिंग लगाने के बाद दो प्लांट निकल गए हैं, ये कटिंग मैंने लगाई थी ये, और दो प्लांट निकल गए हैं साइड में से। तो ये समर में अच्छे से ग्रोथ करता है, विंटर में नहीं करता है। एक दूसरी वैरायटी ये है, एक ये वाली है, तो दो वैरायटीज है मेरे पास, तो समर में इसको ऐड कर सकते हैं। मनी प्लांट को भी अभी ऐड मत करिए, मनी प्लांट भी ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी सारी पत्तियां पीली हो जाएगी, और ये कुछ दिन के लिए और ग्रो करेगा, फिर ये विंटर में बिल्कुल भी ग्रोथ रोक देगा, क्योंकि ऐसे में जो है ये हमारे प्लांट डोरमेंट में चले जाते हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं। जैसे कि पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट को भी ऐड मत करिए, और रियो प्लांट है, रियो प्लांट को भी आप ऐड मत करिए। देखिए मैंने सब जो है अंदर छुपो के रख दिए है। ट्रायंगल हार्ट है, इसको भी ऐड मत करिए। जेड प्लांट को भी ऐड मत करिए, ठीक है। डेविल्स बैकबोन है, उसको भी ऐड मत करिए। यूका की वैरायटी है, उसको भी ऐड मत करिए। स्पेरिकस है, इसको भी ऐड मत करिए। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है, हमें ये ऐड नहीं करने हैं बिल्कुल भी। इनका प्लांट है, इसको भी ऐड मत करिए, ये प्लांट भी अभी ग्रोथ नहीं करेगा, पीली पत्तियां हो जाएगी, डंडी डंडी इस प्लांट की रह जाएगी। समर में ये ग्रोथ करेगा तब आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इतने सारे प्लांट मैंने बताए हैं, इनको बिल्कुल भी अपने गार्डन में ऐड मत करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।